किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज है 19 मई, पिछले दिन रविवार है। पिछले रविवार को मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने अमरूद की कटिंग की जो मई के अंत में जो जून के प्रथम सप्ताह में होनी है उसकी तैयारी बताई। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या तैयारियाँ की हैं। जो आज खाद के लिए जो हमने जगह बनाई है उसकी जड़ों के पास जो कार्य किया है हम उसको दिखाते हैं आपको। जगह वही है जहां पर मैंने 15 फरवरी को अपने घर पर अमरूद की कटिंग की थी। इसके बाद मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको जो मैं अपने खेत में जो मेरा बाग है वहां पर क्या कार्य कर रहा हूं और वहां किस प्रकार की तैयारी थोड़ी भिन्न है, क्योंकि ये पेड़ 1.5 वर्ष का हो रहा है और वो मेरे पौधे 1 वर्ष के, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कार्य कर रहे हैं मैं ये बताऊंगा। और उसके बाद ये भी चर्चा करूंगा कि जो आपके 2 साल से बड़े पौधे हैं उनमें किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए जो मैंने पिछली बार दिखाया था इसमें एक गड्ढा था, ये जो गड्ढा था ये यहां तक था बस। आज मैंने इसको ये आराम से देखिए, ये जो है मैंने थोड़ा बड़ा कराया है इसको। और ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जो ये इसका तना है, तने के आसपास लगभग 6 इंच का आपको इस तरह से जगह छोड़नी है और 6 इंच के बाद आपको ये कम से कम 1 फीट जितनी भी ले सके 1 फीट आपको ये जगह होनी चाहिए और ये कम से कम 4 इंच गहरी होनी चाहिए। ये देखिए इसके क्या फायदे होंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखिए जब मैं काट रहा हूँ इस तरह से, जो इसकी प्रथम जो पहली जड़ें होती हैं जो मजबूती वाली होती हैं वो साइड में नहीं जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, पौधा मजबूत होगा और अच्छी तरह खाद पानी लेगा। और जो साइड की जड़ें होती हैं वे मैंने पहले भी बताया द्वितीय जड़ें होती हैं, तो इस तरह से हम उनको काट देंगे और मैं यहाँ से भोजन लेंगे। जो ये देखिए, ये दिखाइए थोड़ा, ये वाली जो जड़ें आ रही हैं ये देखिए, ये वाली जड़ें, ये जो जड़ें हैं ये इस तरह से इधर से खाद लेंगी और पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसमें हम प्रचुर मात्रा में कम से कम हम इसमें 20 किलो खाद डालेंगे गोबर का, थोड़ी नीम की खली डालेंगे, थोड़ा बोन मील डालेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। अभी मैं इसको पूरे 1 सप्ताह, ये देख दिखाइए इधर को दिखाइए, ये देखिए ये वाली जड़ें, ये देखिए ये जो जड़ें हैं ना, ये सब इसकी द्वितीय जड़ें हैं। ये इस तरह से मैं इसको, ये देखिए इस तरह से मैं इसको, आप फावड़े से करिए, ये देखिए। तो इस प्रकार ये लगभग 1 फुट की, अभी मैं इसके बाद में मिस्त्री को बुलाऊंगा और इसका एक बहुत सुंदर सा गोल इसके चारों तरफ बनवा दूंगा। तो ये अभी एक हफ्ते तक, अगले शनिवार तक इसमें धूप लगेगी, जो कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और इस पर मैं फिर अगले उसमें जब खाद डालूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पूरा 1 सप्ताह ये इसी तरह से 1-2 बार इसकी निराई गुड़ाई कर देंगे। और आप ये देखिए ये जो मेरी जो शाखाएं हैं ये अच्छी मजबूत हो चुकी हैं और इनको मुझे, ये देखें कितनी बड़ी है। 2 फार्मूले हैं इसके, एक तो इसको जो लंबाई के आधे से काट दें या कम से कम 1 फीट पर इसको काट दें और ये पत्ते इसको हटा दें। तो जो कटिंग हम अगले रविवार को करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। आप खाद, नीम की खली और बोन मील, मीट मील जो है ना वो तैयार कर लीजिए। जो बुरा भाई रासायनिक खेती करते हैं वो अपना थोड़ा यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास का इंतजाम कर लीजिए या DAP कर लीजिए। कंपोस्ट जरूर डालना। जो 2 साल का पौधा हो गया 20 किलो, जो 1 साल का है उसमें 10 किलो, इतनी मात्रा में चाहिए। और इस प्रकार आप इसके चारों तरफ गड्ढे बनाएं। अब आपको इसके चारों तरफ खोद कर गड्ढे को और इस प्रकार रखना है और सप्ताह में, 1 सप्ताह के लिए हम रखेंगे, सप्ताह में हमें इसको 1-2 बार और इसी खुदाई कर देनी है। भूख लगेगी, कोई कीड़े वीड़े सब खत्म होंगे और हमारा पौधा बाद में बहुत स्वस्थ होगा। किसान भाइयों, जो घर पर लोग पेड़ लगाते हैं अपने, तो वो इसीलिए इतने बहुत अच्छे नहीं हो पाते या
यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनमें इस प्रकार हम जगह नहीं बना, इसको प्रचुर मात्रा में जगह चाहिए होती है। और इसका एक फार्मूला ये है कि जितना पौधा फैलता है, जहाँ तक फैलता है, लगभग उतनी दूरी में इसकी ऊंचाई गुड़ाई करनी है। हाथ थोड़ा कम भी हो सकता है लेकिन उतनी दूरी में आपको निराई गुड़ाई करनी है। अब घर पर तो ये पॉसिबल नहीं है, जैसे मेरे ये घर पर पौधा है, इससे अधिक मैं जगह नहीं इसको दे सकता, इतने में ही काम चलाना। ये थी आज की प्रस्तुति। और आप अब अपने पौधे के चारों तौर इस प्रकार के कार्य करें और कम से कम एक सप्ताह के, मैं इसको यहाँ पर इसको रविवार को इसकी कटिंग करूँगा और इसमें खाद दूंगा, लेकिन जो मेरे खेत पर है वहाँ पर मैं इसको 5 या 6 जून के आसपास दूंगा, क्योंकि उनमें आज मैंने कुछ कार्य कराया है जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या कार्य। तो किसान भाइयों, अभी भी आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिखिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज हम अपनी www.amazingkisan.com वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। वैसे तो लोगों ने देखनी शुरू कर दी है, बहुत अच्छे उसके मुझे फीडबैक मिली है, और उस पर एक हमारी छोटी सी एक पत्रिका आई है जो पुस्तक है, 10-12 से 14 पेज की पुस्तक है, ई बुक है। वो है अमरूद की बागवानी भाग एक पौधरोपण। उसका मूल्य है 25 रुपये। अगर आप भी चाहते हैं तो आप www.amazingkisan.com पर जाइए, पेड पब्लिकेशन के अंदर जाकर आप अगर उस किताब को लेना चाहते हैं तो आप 25 रुपये पेटीएम द्वारा या NEFT द्वारा, मैंने नंबर बताया है, उसको पेमेंट कर दीजिए। मेरे पास काफ़ी पेमेंट आ भी चुके हैं और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसकी सूचना उसी व्हाट्सएप नंबर पर दे दीजिए और आपको वो पुस्तिका भेज दी जाएगी। तो किसान भाइयों, अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। वेबसाइट पर हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत से फ्री पब्लिकेशंस हैं वो भी बताए गए हैं, और बहुत एक डायरेक्टरी है। आप आइए हमारी डायरेक्टरी में, अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए, इससे आपके आसपास के किसानों को पता चलेगा, उसमें योगदान दीजिए। और वहाँ पर जो अमेजिंग किसान ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, उस पर कैसे जुड़ते हैं ये भी बताया गया है, बहुत सारी सूचनाएं बताई गई हैं, उनका फ़ायदा उठाइए, इस मिशन में अपना योगदान दीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।